हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने भाई को लेके गई थी प्लास्टर दिखाने के लिए भी, और साथ में आज निकल भी गया ये जो उसको स्लैब लगा हुआ था, तो उसके लिए लेके गई थी आज हॉस्पिटल। पहले हमने चेकअप करवाया, फिर एक्सरे हुआ। एक्सरे दिखाने के लिए जब हम आए तो हम काफ़ी लंबी लाइन थी, और उसकी वजह से फिर लंच टाइम हो गया और डॉक्टर चले गए। तो हमने सोचा हम लोग भी कुछ खा लेते, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए हम लोगों ने भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो वहाँ पे मिलता था वो खाया। तो गाइस, चेकअप हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। फाइनली 2:30 बज गए हैं, 2:30 बजे फ्री हुए हैं हम आज। सुबह 10 बजे क्या है फिलहाल, तो ऐसा सूजन तो है, चला नहीं जा रहा मेरे से। अब हम लोग यहाँ लिफ्ट में हैं, और ना नया वाला जो ओपीडी ब्लॉक है बहुत अच्छा बना है, लेकिन लोगों की गलती है कि अभी भी वो गंदा जा रहा है। हमने खुद देखा इतना सा डस्टबिन के बाहर, पर डस्टबिन भी काफी सही बात है बाहर है, पूरे फ्लोर मुश्किल से एक मिनट की भाई। हमारे नहीं निकलती इसकी, चलो नहीं निकली नहीं। सिक्योरिटी वाला बोल कर लेना तब तक। भाई तुम ज्यादा वो मत बनो यार, भगवान बात ही नहीं। पहुंच गए हम लोग घर, लेकिन अभी पहले आए भाभी वगैरह के पास, और यहाँ पर हम लोग आज बहुत दिनों बाद पुरानी याद आ गई। एक तो पहले देख बैठा कैसे शुभ देख अपने आप को। हेलो गाइस, ये चिकू है बेटू, पर रहने दो उसको, रहने दो, इधर आओ, मैं कर दूंगी, मैं करती हूँ, आ जाओ, मैं करती हूँ। तो अभी हम लोग क्ले से मोल्डिंग कर रहे थे थोड़ी सी, तो हमने मछली बनाई है। चिकू मेरी वाली मछली, ये देखो ये मेरी मछली है। शुभ शुभ हमने मछली दबा दी ताकि इसकी मछली, ताकि इसकी मछली को कोई जज ना करे। अब हम क्या बनाएंगे चिकू? कुर्सी, चेयर बनाएंगे। ठीक है चलो। वाली की टांगों में बहुत ज्यादा फर्क है भाई, कोई टांग बहुत मोटी है, कोई टांग बिल्कुल पतली हो जाती है। मोनू ने देख लिया ना, ये इतनी बेइज्जती मारेगी ना हमारी इसकी। जल्दी बना, जल्दी, मेरी कुर्सी कुर्सी कम है, टांगे ज्यादा है सिर्फ। बात होती है, सोनू भी की तो बन भी गई बन गई है, इनकी कुर्सी तो ज्यादा अच्छी लगती है और सोनू भी की ज्यादा अच्छी लगती है। मैं समझ रही हूँ बेटा, जो तू दोगलापन दिखा रही है ना, ये दोनों की लग रही है। ये है मेरी सोनू भी और ये छुपा चाचू, और दोनों फालतू के काम कर रहे हैं। देखो देखो क्या तो उसकी पीठ गिर चुकी है। बहुत नई स्टाइल की कुर्सी बना रहे हैं ये। अब शक्ल भी दिखा दो, कितना अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा, मैं अच्छे लग रहे तेरे को चुप? आपकी चेयर तो मेरे चाची से भी अच्छी है, और चाचा हाँ दोगली दोनों की अच्छी है, बहुत सुंदर। आपकी चेयर चाचू से भी अच्छी। ओ, टांग निकली। बोला था ना टांग निकलने वाली है। निकली तो नहीं थी ना तब। ओए कुर्सी ऐसे टूट गई है थोड़ी। जी नहीं, अभी चुराना पड़ेगा। अभी देखो। अभी देखो फिर टूट जाएगी। चुप हो जी कुएं। कितने घंटा? मेरे को ये भाषा बिल्कुल नहीं आती। क्यों? आपको क्यों नहीं आती अपनी भाषा? मैं जा रही हूँ ये कुर्सी में, मैं इसमें खुद ही बैठूंगी। टूटेगी ये कुर्सी अगर आप इसमें बैठो। बेटा मैं नहीं भी बैठूंगी तो भी टूट जाएगी, मेरी कुर्सी तैयार है। और इसमें आदमी भी तो बना दो। ये आदमी किसी और रंग का बनाना पड़ेगा, चल मैं बना देती हूँ। मेरी भी तैयार है, वो दिखाओ। ये देखो सोनू को यहाँ पे दबा दबा के कर रही है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, दिखाइए। हमने सोफा तोड़ दिया कि बढ़िया गाइस, ये देखिए गाइस जलता है मेरे से, ये चूर चूर कर दिया मेरा पूरा फर्नीचर। ये बिंदी
कोकिला बहू कोकिला बहू नहीं कोकिला बहू थी ना थी कोकिला बेन बेन हाँ सकते मैंने बहुत ही अच्छा रुक जाए यार तेरे से मत दिखा यार तो खराब है बहुत ही अच्छा कड़ा बनाया है चिकू के लिए कड़ा नहीं और शो तुम ले लो आप इधर करो हाथ कॉकटेल रिंग टूटनी नहीं चाहिए कॉकटेल रिंग टूट चुकी है कहाँ टूटी है देखिए कॉकटेल रिंग देखिए आप ये असली सोने की है ऐसा चमकदार सोना कि क्या होता है आपको बहुत घटिया बनाई शुभ तू रही डिजाइन तो बनाता है इसमें कुछ डिजाइन क्या मैं दिखाती हूँ एक कॉकटेल रिंग दिखाऊं अब देख तू मेरी कॉकटेल रिंग मैं बनाऊंगी नहीं मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी इधर कर इसके ऊपर गोला लगा देगा मुझे पता है तू कॉकटेल रिंग हो तो ऐसी आपको इसमें ना डिजाइन दिख नहीं रहा है ढंग से कुछ कैसे दिखाऊं ये देखिए चीकू दिखाओ ऐसे ऐसे दिखाओ ये देखिए कितनी सुंदर बनाई मैंने है ना चीकू है ना अच्छी है ना थैंक यू तो बोल थैंक यू तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं नेल्स एक्सटेंशंस करे हैं मैंने आज और ये हमने और कहीं नहीं हमारे ब्रदर सिस्टर सैलून में किए हैं तो हमारे सैलून का नाम है ब्रदर सिस्टर सैलून और क्या बोलते हैं सैलून होता है शुभम सैलून हम आपको मैं अपने भाई की एक्सटेंशन चिक्कू का देख मैं अपना दिखाओ तो आप देख सकते हैं ऐसे एक्सटेंशन अगर आपको भी करवाने हैं अब एक्सटेंशन है मेरा तो नहीं कान छूटा है नहीं इतना देखो सॉलिड देखिए सुपर्ब एक्सटेंशन जो करवाए हुए हैं वो देखो इतना अच्छी बात ये है ना कि आपको काम करने तो आप निकाल सकते हो यू शट अप यू टू ये पागल चिकू की नेल एक्सटेंशंस आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट ब्रदर सिस्टर सैलून फॉर दीज नेल एक्सटेंशंस हंस दिख रहा कैसे थी ये हाजिरी कैसे लगाया चिकू मैंने अच्छी कैसे लगी मैम आपको बहुत अच्छे थैंक यू सो मच आप दोबारा आएंगे हमारे पास हाँ आएंगे सुंदर लग रहे हैं आपके हाथ बहुत दिखाइए वाओ मैम वाओ मतलब सो ब्यूटिफुल एक्चुअली हम आर्टिस्ट ही बहुत ब्यूटिफुल है जाओ अपनी मम्मी को दिखा क्या इसमें थोड़ी डिजाइन भी बनाएंगे मुंह बंद कर ले बज कर ले पटाखा पर ऐसे ऐसे नहीं नहीं नो 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 वो फिर वो निकल जाते हैं मैम आपको नहीं पता एक्चुअली वो आपको जब आप कंघी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम करेंगे इसलिए नहीं मैंने लगा है ठीक है मैम चुप रहे नीचे दबके मैं मर सकी हूँ ये इसमें ध्यान है सनी की ऊपर चल अब जा रहे हैं आ जा अभी तेरी जरूरत है अबे इसके लिए नहीं आ रहा मैं तो पहुंच ही रहा हूँ अभी हम इसके बैठे नीचे रुको यार नीचे रुको मैं आई कैमरा की हिम्मत नहीं बोले शर्म यार तुझको आज तू बनाएगी तो इसको ना नशा लग गया है चाय का मेहमान आए हैं इसके दोस्त आई है इसके ऊपर मत रखो चल रहा है हाँ मैं आ रही हूँ एक चम्मच इसकी ब्लैड हो चुकी है पूरी शिव शक्ल दिखा अपनी लाल हो गया होगा पसीने ऐसे नीचे देख कैसा लग रहा था कि गलती से ऊपर से गिर गया ना इनके पास पता हूँ साठा भाई भाई तो वो कहाँ डाल दियो बिसाखिया इधर है मेरी बात झूमे और क्या चप्पल बोल ना ले जा ले जा चिकू अपनी नेल्स दिखाओ नहीं मम्मी दिखाओ मैंने पहली बार कराया
का डांट पड़े। अब मेरे साथ क्यों आ रहे हो? यार बिना लाइट के भी कितना अच्छा। लाइट ऑन कर लो। सबसे पहले वाली। कुछ तो ये तेरे को ये स्वेलिंग भी हिंडर कर रही है हल्का हल्का तो। नहीं बाकी कुछ नहीं कर रही ये जो ये चीज है ना ये चीज ऐसा लग रहा है यहाँ यहाँ ऐसे जकड़ा वाली है वही भी मसल को आदत नहीं यहाँ लग रहा है बस वो बाकी कुछ नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है। नीचे रखो भाई साहब। अबे नीचे तो रख दो। तो आजकल डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि आप लोगों को ऑब्वियसली रीज़न पता ही है, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि हम रोज़ व्लॉगिंग करें क्योंकि अब शुभम थोड़ा ठीक है एंड अभी ये काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रहा है। हालांकि अभी चल नहीं पा रहा है पर बहुत जल्दी चलेगा। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर विशेज़।